हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल KCR यानी कि कनवाड़िया क्लासेस बाय राजेश में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ वोकैबुलरी याद करने की नाइस ट्रिक, एक शानदार ट्रिक, और जिसे आप एक बार देख लोगे तो उस स्पेलिंग को दोबारा आप भूलोगे नहीं। तो ये ऐसी कौन सी ट्रिक्स है और किस तरीके से मैं आपको याद करवाऊँगा वो भी मैं आपको बता दूँ। और एक चीज़ ये बता दूँ कि ये वाली जो चीज़ है वो आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और जो LDC है उन जिसमें भी इंग्लिश आती है और वो कभी भी पूछी जाती है उनमें काम आएगी। और फर्स्ट ग्रेड जो सेकंड ग्रेड इंग्लिश है उसमें तो ज़रूर ज़रूर आएगी, क्योंकि इसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते हैं। अब अगर मैं आपको 10-10 मीनिंगे रोजाना की ये वाली, ये वो मीनिंगे होती है जो इम्पोर्टेंट स्पेलिंग होती है और जो अपने माइंड में नहीं रहती है, जिसको हम माइंड से निकाल दिए जाते हैं, जिसे हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो वो वाली मीनिंग आपको 10 रोजाना की याद कराऊंगा। ये मैंने रस्तोगी वाली बुक में से ले रहा हूँ, और ऐसा नहीं कि मैंने सारी की सारी मीनिंग लाइन से उठा ली। मैंने जो थोड़ी मुश्किल स्पेलिंग थी याद होने में वो वाली ली है, और जो हमें नॉर्मली सबको याद रहती है वो वाली स्पेलिंग मैंने नहीं ली है। तो याद करने की ट्रिक देखना आप, वो थोड़ी लाजवाब रहेगी, उसमें आपको मज़ा आएगा। और अगर ऐसे करके 10-10 वीडियो डाल 10-10 स्पेलिंग के मैंने आपके लिए 20 वीडियो डाल दिए तो 200 स्पेलिंग हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा। चलिए देखते हैं आपको पसंद आएगा या नहीं, ये बाद में आप बताना कमेंट के माध्यम से। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहली अपनी स्पेलिंग है एक्यूम्यूलेट। एक्यूम्यूलेट यानी क्या होता है? एक्यूमलेट यानी होता है इकट्ठा करना, ओके। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, याद रखने की जो ट्रिक है वो क्या होगी अपनी, हमें क्या करना है, ये जो स्पेलिंग है उसके टुकड़े करना है। ए का एक तो ए हो गया, ए डबल सी यू एम यू, ये टुकड़ा अलग हो गया, ये अलग हो गया, LATE हो गया। चलिए एक तो ये हो गए, फिर इसके साथ ही मैं आपको ये वाली स्पेलिंग भी याद करवा देता हूँ, स्केटर वाली। इसमें क्या करना है आपको, इसको हम बोलते कैसे हैं, स्केटर को हमें ऐसे नहीं बोलना है, हमको बोलना है इस्केट, रे यहाँ पे हम साइलेंट मान लेंगे, ओके। चलिए अब इसको याद कैसे करेंगे, तो इसको याद करने की ट्रिक ये है, ये जो है कम्मू, कम्मू एक नौकर का नाम है, ठीक है। तो कम्मू से कम्मू का मालिक बोल रहे हैं, एक कम्मू लेट यानी लेट क्यों हो गया, ठीक है, ये पूछ रहा है इसका मालिक। तो अब ये क्या जवाब दे रहा है कि मालिक दूध इकट्ठा कर रहा था, एक कम्मू लेट, तो लेट क्यों हुआ ये पूछ रहा है मालिक। तो ये बता रहे हैं मालिक दूध इकट्ठा कर रहा था, तो इकट्ठा करना, दूध इकट्ठा कर रहा था, जो इस केट ने, ये स्केटर है ना, इसको देखिए आप, जो इस केट ने बिखेर दिया था वो दूध इकट्ठा कर रहा था। तो स्केटर का मतलब क्या हो गया, स्केटर का मतलब हो गया बिखेरना, इस केट ने बिखेर दिया था, जो इस केट ने बिखेर दिया था वो दूध इकट्ठा कर रहा था। तो क्या कर रहा था, ये एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना होता है। तो मालिक बोल रहा है एक कम्मू लेट कैसे, इतना लेट कैसे हो गया, तो वो बता रहा है कि दूध इकट्ठा कर रहा था जो इस केट ने बिखेर दिया था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे निकलते हैं, आगे अपनी ये दो स्पेलिंग हो गई, एक तो एक कम्मू लेट क्यों हुआ, दूध इकट्ठा कर रहा था, दूध किसका इकट्ठा कर रहा था, ये जो बिल्ली है ना उसने इसको बिखेर दिया था, इस केट ने। अब इस केट को हमने कैसे बनाया, ये जो ये ना स्केटर बोलिए आप, तो इस और केट, ठीक है, इस केट ने जो बिखेर दिया था, यानी स्केटर का मतलब हो गया बिखेरना और एक्यूमुलेट का मतलब हो गया इकट्ठा करना, ये सिनोनिम और एंटोनिम दोनों है। तो आगे एक्विट का मतलब होता है निर्दोष ठहराना, तो इसको कैसे याद करेंगे हम, इसको याद करने की ट्रिक है, क्विटियन क्या होता है भाई, क्विटियन छोड़ना होता है, ठीक है। तो एक क्विट यहाँ पे ये क्या है, एक, इसको एक ले लेते, ए सी को एक ले लेते हैं, ए सी ये हो गया एक, एक
क्विट, यह हो गया क्विट, क्या हो गया ए क्विट। तो निर्दोष बताकर या निर्दोष ठहराकर एक को क्विट कर दिया, निर्दोष ठहराकर एक को क्विट कर दिया, एक को क्विट कर दिया, ए सी क्यू यू आई टी। तो हमें क्या निकाला, निर्दोष ठहराना है, इसका आंसर है। तो एक को निर्देश निर्दोष बता के, निर्दोष बता के एक को क्विट कर दिया, यानी निर्दोष ठहरा के एक को क्विट कर दिया, छोड़ दिया, क्विट यानी छोड़ना होता है। तो एक को छोड़ दिया क्या करके, निर्दोष बता के, एक को छोड़ दिया निर्दोष ठहरा के या बता के, ठीक है। एक क्विट का मतलब हो गया निर्दोष ठहराना, एक यानी एक, क्विट यानी छोड़ना। अब उसको क्यों छोड़ा, निर्दोष बता के उसको छोड़ दिया। चलिए आगे हम देख लेते हैं, कंडेम, कंडेम का मतलब क्या होता है, दोषी ठहराना। इधर था निर्दोष ठहराना और इधर था दोषी ठहराना। अब अगर आप राजस्थानी हो तो ये आपके लिए अच्छी ट्रिक रहेगी, अगर राजस्थानी नहीं हो तो आप याद कर लेना अपने स्तर पे। इसको हम करते हैं अलग अलग करते हैं, सी ओ एन कौन, डी ई एम एन। अब जैसे बच्चे होते हैं तो बच्चे एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं। तो किसी ने किसी बच्चे के पापा ने उसे चॉकलेट दी होगी, तो वो उसकी शिकायत कर रहा है, उसको दोषी ठहरा रहा है कि ये जो इसने आपने इसको चॉकलेट दी ना, ये मुझे नहीं दे रहा है। तो मुझे नहीं देने को रास्ता में क्या बोलता है, बोलते हैं कोने दे मन्ने, कोने दे मन्ने, यानी मुझे नहीं दे रहा है, कोने दे मन्ने। तो ये मुझे नहीं दे रहा, तो ये एक दोष लगा रहा है कि ये मुझे नहीं दे रहा है, कोने दे मन्ने। तो कोने दे मन्ने से क्या हो जाएगा, दोषी ठहराना। ये नहीं दे रहा है, ये क्या है, एक दोष दोष लगा रहा, दोषी ठहरा रहा है उसको कि ये नहीं दे रहा है, कोने दे मन्ने। तो कंडेम यानी क्या हो जाएगा, कंडेम यानी हो जाएगा दोषी ठहराना। ओके, फिर है एग्नि, एग्नि यानी होता कष्ट या दुख, एग्नि यानी क्या होता है, कष्ट या दुख। अब एग्नि को हम ले लेते हैं अग्नि, अग्नि। अब भाई आप अग्नि के पास जाओगे या अग्नि अग्नि के चपेट में आ जाओगे, तो आप जल जाओगे और आपको कष्ट होगा और दुख होगा, ठीक है। तो अग्नि से आप याद रख लेना कि कष्ट और दुख होता है अग्नि का आंसर और इसका हिंदी अर्थ। ओके, फिर है ये एग्रीवेट, एग्रीवेट यानी क्या होता है, भारी कर देना। एग्रीवेट यानी क्या होता है, भारी कर देना। तो इसको हम याद कैसे करेंगे, तो देखिए इसको हम अलग अलग करते हैं, यहाँ से यहाँ तक करिए आप अलग। अगर वेट, ए डबल जी आर ए, फिर है वी ए टी ई, इतना अलग कर लेते। अगर वेट, अगर वेट डालोगे, वेट यानी यहाँ पे वेट मान लीजिए, वजन वाला मान लीजिए, अगर वेट डालोगे तो क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा, भारी कर देना। अगर वेट डालोगे तो भारी हो जाएगा, भारी कर दोगे, ठीक है। अगर वेट डालोगे तो भारी कर दोगे, तो इसको आप ऐसे याद रखोगे, अगर वेट डालोगे तो भारी कर दोगे या भारी हो जाएगा, ठीक है। भारी कर देना मतलब अगर वेट यानी अगर वेट यानी भारी कर देना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी, और समझ में नहीं आई हो तो ये मेरी शुरुआत है, आगे मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, और तो क्या, आप कमेंट बॉक्स में बता देना। इसके बाद में एलेविएट, एलेविएट, एलेविएट का मतलब क्या होता है, कम पड़ जाना। एलेविएट का मतलब क्या होता है, कम पड़ जाना। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, इसको याद करने के देखिए आप इसको अलग अलग करिए, ए डबल एल ओल ए वी एट, ए डबल एल ओल ई वी आई ए टी ई। तो इसको कैसे याद करेंगे हम, ओल ए वी एट। अगर हमने ऑल यानी हम सभी ने ऑल ए वी अभी अभी इसे मान लीजिए, अभी ऑल अभी एट, हमने हम सब ने यानी ऑल अभी एट किया, हम सभी ने अभी एट किया, अभी खाया, तो औरों के लिए कम पड़ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कम पड़ जाना। ऑल अभी एट, हमने सब ने एक अभी खाया, तो औरों के लिए कम पड़ जाएगा। ऑल अभी वेट, अभी खाया, ऑल अभी एट, ऑल अभी एट किया, तो औरों के लिए कम पड़ जाएगा। ऑल
अभी 8 खाना होता है, तो हमने सबने अभी खाया तो औरों के लिए कम पड़ जाएगा, ऑल अभी 8 किया तो औरों के लिए कम पड़ जाएगा। ओके चलिए नीचे आते हैं। नीचे है अरिस्टोक्रेट। अरिस्टोक्रेट का मतलब होता है कुलीन, जो भद्र पुरुष कहे जाते हैं, जिनकी इज्जत होती है बहुत अधिक और वो अच्छे परिवारों से आते हैं, उन्हें कुलीन कहते हैं। तो इसको हम क्या कैसे याद करेंगे, अरस्तु को आप जानते होंगे, अरस्तु, इसको कर लेंगे अरस्तु क्रिएट। अरस्तु ये लीजिए, अरस्तु, अरस्तु क्रिएट, क्रिएट को क्या कर लेंगे हम, कृत, अरस्तु कृत, यानी जो अरस्तु के द्वारा कृत है, जो अरस्तु की संतानें हैं, यानी अरस्तु के द्वारा बनाए गए हैं, वो तो भाई सारे के सारे चीज़ें कुलीन ही है। आप जानते हो अरस्तु ने सारे के सारे अच्छे काम किए हैं, तो अरस्तु की जो संतानें होगी, जो अरस्तु के द्वारा रचना की गई होगी, वो सारी की सारी कुलीन रचना होगी, वो सारी भद्र रचना होगी, अच्छी रचना होगी, ठीक है। तो अरस्तु कृत मतलब अरस्तु बहुत बड़ा विद्वान था, आप जानते हो, तो उसके द्वारा जो भी कार्य किया गया होगा वो कुलीन होगा, उसके पुत्र होंगे वो कुलीन होंगे, ठीक है। तो अरस्तु के द्वारा उसने अपने पुत्र पैदा किए होंगे, तो अरस्तु कृत हो गए। तो अरस्तु के पुत्र क्या थे, कुलीन थे, अच्छे घर से बिलोंग करते थे, अच्छे पिता से बिलोंग करते थे। तो ये हो गया अपना अरस्तु कृत, यानी अरिस्टोक्रेट, जिसे हम कुलीन कहते हैं या भद्र कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में ओकवाड। ओकवाड क्या होता है, ओकवाड का मतलब होता है बेहुदा, फूहड़, जो गंदा रहे, गंदी जगह हो। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, ये देखिए, इसको हम दो भागों में बांट देते हैं, AUCK, ऑक यानी आँख, और वार्ड, WARD, वार्ड आप जानते ही हो, वार्ड यानी कोई भी स्थान मान लीजिए अभी के लिए, तो ठीक है। तो ओक आँख, आँख यानी होता है एक राजस्थान में आँख का पेड़ आता है, जिसे राजस्थानी भाषा में आंकड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो वो वाला पेड़ जहाँ पे होता है, तो वो जगह बहुत, जिस वार्ड में आँख का पेड़ होता है, आँख यानी आंकड़े का जो पेड़ होता है, जिस वार्ड में होता है वो बेहुदा होता है, फूहड़ होता है, गंदा होता है, यानी वहाँ पे गंदगी अधिक होती है। तो आँख का पेड़ जिस वार्ड में होगा वो क्या होगा, बेहुदा होगा, फूहड़ होगा, गंदा होगा, ठीक है। तो आँख वार्ड, ओक वार्ड यानी बेहुदा फूहड़। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आई होगी, अगर आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट में बता देना, और एक बार और रिवीजन कर आप देख लेना। वैसे मुझे नहीं लगता कि इसमें समझ में नहीं आने वाली कोई बात भी होगी, क्योंकि बहुत ही अच्छे से मैंने ये ट्रिक्स बनाई है, और आपको समझ में आएगी ही आएगी। फिर भी आपको समझ में नहीं आती है तो ये मेरा अंतिम वीडियो रहेगा, अगर आपने वीडियो की प्रशंसा की या वीडियो को लाइक किया तो मैं इसके साथ में अन्य जो वीडियोज़ हैं वो भी बनाऊँगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लगे रहिए अपनी स्टडी में। अगर कंटिन्यू 20 वीडियो मैंने बना दिए तो समझिए आपके 200 स्पेलिंग, जो इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स है वो क्लियर हो जाएगी, तो बहुत आगे तक आप जा सकते हो, ठीक है दोस्तों। बाय फ्रेंड्स।